पेमेंट सबको करनी है, सारे पैसे सब टिकटॉकर्स को देने हैं। एक-एक बारी ना लो आप लोग, क्या हो जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैं घर से निकल आया था क्योंकि मुझे एक दो काम थे जिस कैंपेन के ऊपर मैं लगा हुआ था, उसकी पेमेंट सबको करनी है, तो अभी मैं वही कैश लेने जा रहा हूँ। जी, मेरे साथ आज मेरा दोस्त है, सुबह सुबह उठ के आया, बड़ा लेवल का ख्वाब देख रहा था। वी आर ऑन द वे टू बैंक, उसके बाद घर जाके तैयार होंगे और फिर अगली एक्टिविटीज होंगी वो उसके बाद होंगी। बैंक में टोकन मिला था, कम से कम 71 नंबर था, अभी 130 हमारा टोकन है। तो मैंने कहा अभी इसमें घंटा डेढ़ लग जाएगा, तब तक हम लोग KFC से कुछ खा पी लेते हैं। अभी कुनैन और मैं जा रहे हैं KFC से कुछ खाने पीने और बाद में फल भी खाएंगे। KFC के अंदर आने पर हमें पता चला है कि KFC का डाइनिंग बंद है, तो अभी हम लोग दोबारा गाड़ी में जाएंगे, गाड़ी में खाना खाएंगे। घर आया हूँ अभी सब काम वाम करके, तो देखने को क्या मिला है कि हीरा मनी हाइस्ट का लास्ट सीजन का लास्ट एपिसोड देख रही है एंड शी इज क्राइंग। यहाँ पे पता लग गया कि सबको गोलियाँ बच चुकी हैं, ठीक है, और शी डोंट नो कि एक्चुअल क्या सीन है। हीरा बस एंड आगे सरप्राइज है, शी डोंट नो एक्चुअली। लेकिन पिछले दिनों एक कैंपेन के काम पे लगा हुआ था, वहाँ पे मैं थोड़ा सा बिजी था। अब ये सारे पैसे सब टिकटॉकर्स को देने हैं। तुम छोड़ो, सारों को दे देंगे भाई, पहले मेरे तो दो दो, तुम्हारे अकाउंट में। हाँ, तो ये अब टिकटॉकर्स के जो फ्यूचर है वो हमारे हाथ में, अगर हम ना दें तो कोई मसला तो नहीं है ना, मतलब एक एक बारी ना लो आप लोग, क्या हो जाएगा। हाँ ऐसे भाई, सबने पैसे लेने और इतने इतने लेने, आप चेक करें ये टिकटॉक बनाए और इतने पैसे कमाए, ये हाफ है, ये भी आई गेस 4 लाख होगा तकरीबन। हाँ, बाकी अभी 10 टिकटॉकर्स और। घर से हम लोग निकल आए, रास्ते में अभी मुझे रुक के शूज लेने अपने लिए, क्योंकि मेरे जो ब्लैक शूज थे वो टूट चुके हैं नाच नाच के, और नए शूज लूंगा उसके बाद। नेक्स्ट हम जाएंगे नेक्स्ट लोकेशन पे, थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, शूज वगैरह लेने थे और मे बी समर कलेक्शन की कुछ नई चीजें लेनी थी, क्योंकि आज बहुत गर्मी थी, इसलिए हम लोग आ चुके हैं आउटफिटर्स में, कुछ सामान लेंगे। दिस इज द आर्टिकल आई हैव सिलेक्टेड इन योर अराइवल, में से मुझे कोई भी पसंद नहीं आया, ये पसंद आया क्योंकि मैंने लेने थे ब्लैक, इस लुक के नीचे ब्लैक ही आज सूट करने थे, इसलिए I have bought the black one. Next हीरा ले आई है कंट्री मॉल के अंदर, फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर विजिटिंग हेयर। यहाँ पे उसने कुछ अपने लिए करनी है शॉपिंग, तो उसकी शॉपिंग करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट मूव करेंगे नेक्स्ट लोकेशन पे। प्लान बना था कि अपटाउन जाते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन अपटाउन में कोई अभी एलए फ्री नहीं था, तो हम लोग उधर नहीं गए। हमने जरनाब अपी को लिया। हेलो, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज आपको किसने कहा था कि हमारी यहाँ पे ब्राइडल कुटोर वीक की कोई वॉक होगी? और ये आज ईस्टर्न क्लोथिंग में आई है, इसकी फैन पेज माही ने इसको ये कुर्ता गिफ्ट किया था, तो उसके लिए स्पेशली कह रही है मैंने फोटो शूट और वीडियो। यार हम लोग आए हैं रोशनी को सरप्राइज करने कार्टिंग में उसके पास, अभी जाके देखते हैं क्या रिएक्शन होता है उसका, खुश होती भी है कि नहीं होती, मुझे तो नहीं लगता मुझे देख के खुश होगी, ये इन दोनों लड़कियों को देख के खुश हो जाएगी। इन सारों का प्लान बना कि थोड़ी देर के लिए ये लोग बनाएंगे अपनी टिकटॉक वीडियोस, कंटेंट फाइनल हो रहा है, यहाँ पे खड़े होकर 10 मिनट के लिए वीडियोस बनाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग जाएंगे कहीं डिनर करने क्योंकि भूख बहुत शदीद लगी हुई है। यार ये बच्चे का समझाने का तरीका चेक करे, कह रहे यहाँ से जाना सीधा लेफ्ट होना, ये ब्रिज को क्रॉस करना, इस वाली सड़क पे नहीं जाना, क्रॉस डाले अगली पे जाना, लेफ्ट होने टिक किया हुआ, ये कैनाल रोड है, कैनाल रोड है, वहाँ से फिर सीधा जाएगा, आपको पता लग जाएगा जॉनटन जब आपने जाना है, लेफ्ट होंगे सीधा जाएंगे यूसीबी आ जाएगा। जा सकते हैं वो वाली गाड़ी नहीं, मुझे वो पसंद है, ये मिस्टर बीन वाली, उसको तुम नहीं पसंद। वो भी यही कहती थी मुझे तुम नहीं पसंद। यार एक कार्टिंग से हम लोग निकल आए थे, जा रहे हैं बटकड़ाई क्योंकि कुछ देसी खाने का दिल है।
काफी रोड जिस तरह के जो बंद है, मतलब उन्होंने रूट्स वगैरह इस बार ये अच्छा किया कि लिख के भेजे मेरे। तो भाई वी आर हियर एट बट कड़ाही, द मोस्ट फेमस बाय नदीम बट ओनली ओरिजिनल वाली। क्या गाड़ी लॉक कर दी, अभी खाना खाने जाएंगे, खाना खाएंगे, खाना खा के नेक्स्ट जाएंगे। हम पहुंच तो गए, आने से पहले यहाँ पे हमारे स्टार्ट सैलेड रायता वगैरह पड़ा हुआ है। ये दोनों भूखे बैठे हुए हैं। भूख लगी हुई है हेरा? भूख लगी हुई है सर ना भाभी? खाने का वेट हो रहा है। हमने मंगवाई है मटन कढ़ाई, मटन कढ़ाई बटर में बनी है, तो वो देसी लवर है और ये भी काइंड ऑफ देसी लवर बन चुकी है बट कढ़ाई का खाना खाने के बाद। इन लड़कियों को ये सिंपल सैलेड पसंद नहीं है, इसलिए ये वाला मसाला वगैरह डलवा के मंगवाया है। अब ये वाला पसंद आया? Yes. खा के पेट भर लो, कढ़ाई में खुद दिखा दूंगा। तो फाइनली हमारा खाना आ चुका है, मटन कढ़ाई, वो भी बोनलेस। इसका मुँह देखने वाला, बोनलेस ही मजे की होती है, ज्यादा ग्रेवी डलवा के बटर में कमाल। और जी हम लोगों ने मंगवाए हैं रसगुल्ले एज ए डिजर्ट एट द एंड। कैसे लगे आपको? और मुझे तो रसगुल्ले इतने पसंद है कि आइडिया मैंने ही दिया था, खाने के बाद यहाँ पे सिर्फ रसगुल्ले खाया करेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जी जो होते हैं ना पब्लिक फिगर्स, उन्हें छुप के बैठना पड़ता है। आगे हमारी फ्लेक्स है, ये पब्लिक फिगर्स और बाहर सारी आवाम बैठी हुई है, तो हमें जरा छुप के बैठना पड़ता है। फिर फैंस, सेल्फीज, मेनी थिंग्स ब्रो, इतना नहीं होता। जाओ चेयर्स लेके आओ। अभी यहाँ पे मैं आज का ब्लॉग डी एंड कर रहा हूँ, और कुछ कंटेंट ऐसा था आज का जो मैंने कल के ब्लॉग में डालूंगा। अगला ब्लॉग देखना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस चीज़ का जो पार्ट वन है उसमें मैंने आपको एक हिंट दे दिया, पार्ट टू में जो मेन स्टोरी है वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगी। अभी मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, ज़्यादा बोल नहीं सकता, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले करते हैं, उसके अलावा इस वीडियो को लाइक करें और कॉमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।